मालदीव ने हिडन एजेंडा वालों को सिखाया सबक, बंपर जीत के बाद बड़बोले हुए मोइजू, भारत पर निशाना। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की पार्टी ने संसदीय चुनाव में रिकॉर्ड 71 सीटों पर जीत दर्ज करके प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है। इस चुनाव को राष्ट्रपति मोइजू के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था, उनकी नीतियों को लेकर भारत और चीन की नजर रहती है। बंपर जीत के बाद मोइजू का बड़बोला बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि आम चुनाव के नतीजों ने दुनिया को दिखा दिया कि मालदीव के लोग अपना भविष्य अपनी मर्जी से चुनते हैं और वे किसी तरह का विदेशी दबाव नहीं चाहते। भारत का नाम ना लेते हुए उन्होंने कहा कि हिडन एजेंडे वाले लोगों के लिए ये भी स्पष्ट सबक है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की पार्टी ने संसदीय चुनाव में रिकॉर्ड 71 सीटों पर जीत दर्ज करके प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है। इस चुनाव को राष्ट्रपति मोइजू के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था, उनकी नीतियों को लेकर भारत और चीन की नजर रहती है। बंपर जीत के बाद मोइजू का बड़बोला बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि आम चुनाव के नतीजों ने दुनिया को दिखा दिया कि मालदीव के लोग अपना भविष्य अपनी मर्जी से चुनते हैं और वे किसी तरह का विदेशी दबाव नहीं चाहते। भारत का नाम ना लेते उन्होंने कहा कि हिडन एजेंडे वाले लोगों के लिए भी ये स्पष्ट सबक है। जीत के बाद क्या बोले मोइजू, 88 भारतीय सैन्य कर्मियों में से अधिकांश को भारत भेजने का फैसला लेने वाले चीनी समर्थक नेता मोइजू ने कहा कि हम गौरवान्वित राष्ट्र हैं जो संप्रभुता और स्वतंत्रता से प्यार करते हैं, जिसे हमने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी दिखाया है। उन्होंने कहा कि संसदीय चुनाव परिणाम इस बात का सबूत है कि मालदीव के लोग देश के भविष्य को आकार देने में मुख्य पहचान के रूप में इस्लामी आस्था और उसके मार्गदर्शक सिद्धांतों को बनाए रखना चाहते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि चुनाव का नतीजा मालदीव के लोगों के दृष्टिकोण और उद्देश्यों के बारे में शेष दुनिया के लिए एक संदेश है। राष्ट्रपति मोइजू ने किसी देश का नाम लिए बिना कहा कि संसदीय चुनाव परिणाम ये साबित करने के लिए भी था कि मालदीव के लोग विदेशी दबाव के बिना अपना भविष्य चुनने में स्वायत्तता चाहते हैं। उन्होंने पहले भारत पर मालदीव के मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है और पिछले साल सितंबर में इंडिया आउट अभियान के साथ उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीता था। राष्ट्रपति ने कहा कि हिडन एजेंडे वाले लोगों के लिए ये भी स्पष्ट हो गया कि मालदीव के लोग क्या चाहते हैं, इसलिए मैं उनसे आग्रह करता हूं कि अब जब चुनाव खत्म हो गए हैं तो वे असंतोष को छोड़ दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।